मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पिछले एक साल से सक्रिय हाईवे के लुटेरों की गैंग के 9 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। लुटेरों का यह गैंग झांसी घाट से आकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हाईवे पर ट्रकों और राहगीरों को अपना निशाना बनाता था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 26 पर आतंक का पर्याय बन चुके ये हाईवे के लुटेरे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पिछले एक साल से लुटेरी गैंग हाईवे पर आतंक का दूसरा नाम बन चुकी थी। गैंग के 11 सदस्यों में एक से बढ़कर एक कुख्यात अपराधी हैं, जो कि हाईवे से निकलने वाले ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे। हाईवे पर कई छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके इन अपराधियों ने 22 जून की दोपहर नरसिंहपुर अनाज मंडी से मूंग लेकर जा रहे एक ट्रक को अपना निशाना बनाया और ड्राइवर की हत्या कर ट्रक लेकर फरार हो गए। हाईवे पर लगातार बढ़ती घटनाओं, हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदातों के बाद हरकत में आई पुलिस ने हाईवे के इन लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गैंग के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित लूटे गए ट्रकों का माल बरामद हुआ है। पुलिस की सफलता से हाईवे पर लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर लगाम तो लगी है, साथ ही हाईवे की लुटेरी गैंग अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। उमरिया में हुई थी सेम मोडस ऑपरेंडी में, इसमें जो ट्रक है वो वहाँ खमरिया में लूटा गया और सेम तरीके से गाड़ियाँ यूज़ करके ट्रक जो ड्राइवर था अकेला था, ट्रक लूटकर उसको बंधक बनाकर ले जाया गया। वो ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में कुल मशरूका करीब 1 करोड़ का बरामद किया गया है। ये घटना जो इस घटना में जो सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उसकी मदद से इन सभी आरोपियों को एक एक करके दबिश देकर पकड़ा गया और ये एक बहुत बड़ी घटना में हमारे ज़िले को और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इस पूरी घटना को मॉनिटरिंग कर हमें निर्देशन दिया गया।